चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है टॉपिक 6 स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। हम लोग कंटिन्यू इंडस वाली हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इन कंटेक्स्ट में। कल की क्लास में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज टॉपिक 6 में हम लोग एंटर करेंगे। टॉपिक जो 6 है स्टूडेंट्स, वो है हमारा स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। इसका आपको मैंने पहले भी उसके बारे में एनालिसिस करा दिया, ठीक है, ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा ना, आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। देखिए स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग विवेक दरवाजा बनता तो जैसे से आता प्रोक्योरिंग मटेरियल। देखिए यहां पर टॉपिक का नेम क्या है, टॉपिक का नेम है स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, टॉपिक 5 में हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपने देखा टॉपिक 5 पॉइंट में कि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें, तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स कि प्रोडक्शन के लिए आपको नीड पड़ेगी कि नहीं। आपको प्रोडक्शन के लिए नीड पड़ती है रॉ मटेरियल, तभी तो आप इस रॉ मटेरियल का यूज करके आप प्रोडक्शन करते हैं, बताइए। आपको प्रोडक्शन के लिए नीड है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का आप यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो टॉपिक जो 6 है क्लास 12 एनसीईआरटी का अपन सिविलाइजेशन का, वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें ये जो मटेरियल है रॉ मटेरियल उसको उसकी प्रोक्योरिंग की क्या स्ट्रेटेजी थी, ये रॉ मटेरियल ये कैसे प्राप्त करते थे, समझ में आ रहा है, ये रॉ मटेरियल या कहां से ला रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि चाउमड़ों में बीड मेकिंग का काम हुआ, बालाकोट नागेश्वर में सेल ऑब्जेक्ट का काम हुआ, तो आप अगर सेल से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप तो सेल प्रोक्योर करना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा, तभी तो आप उसका यूज करके प्रोडक्शन करोगे, उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, बोलिए जैसा हो, ठीक है। तो यहां पर एक जो एनालिसिस क्वेश्चन जो हमें खुद से सोचना चाहिए, वो हमारा आईक्यू जो क्वेश्चन है एनालिसिस लेवल, वो क्वेश्चन ये है, या मतलब क्वेश्चन तो नहीं, जो हम लोगों ने एनालिसिस, जो मैंने एनालिसिस किया उस आधार पे मुझे क्या समझ में आई, उस बेस पर मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इसको लेकर। ये जो टॉप पैराग्राफ 6 आपके बुक का, उसमें मुझे समझ में आया कि सब रॉ मटेरियल, सम रॉ मटेरियल, सम रॉ मटेरियल अवेलेबल इन सम प्लेसेस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन बट नॉट ऑल। क्या समझा आपने, क्या एनालिसिस किया आपने, देखिए सम रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ प्लेसेस में अवेलेबल थे, कुछ रॉ मटेरियल ये लोग जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं चाहे बालाकोट नागेश्वर
एक सिटी और लोथल, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ प्लेसेस में तो अवेलेबल है, लेकिन आप कहो कि हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो ऐसा नहीं है, नॉट ऑल, सब कुछ अवेलेबल नहीं है। जैसे आज हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, समझा समझिए, इंडिया में आज बहुत सारी इंडस्ट्री है, कुछ रॉ मटेरियल उनको इंडिया में ही मिल जाता है, उनके वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कुछ रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल है, और आप बताएं आप जो अवेलेबल नहीं है वो कैसे लाया जाए, जो रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है आप उसे कैसे प्रोक्योर करेंगे, बाहर से फॉरेन से हम उसे इंपोर्ट करवाएंगे, बाहर से आप उसे इंपोर्ट करोगे, जहां पर भी वो अवेलेबल होगा वहां से उसे मंगाया जाए। तो जब हम हड़प्पा में कह रहे हैं कि हड़प्पा में सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज हर रॉ मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि हड़प्पन का फॉरेन लैंड के साथ जो फॉरेन लैंड है, जो विदेशी जमीन है, इनके कॉन्टेक्ट उनके साथ होंगे, तभी तो आप बाहर से मंगा रहे हो। और जब अगर बाहर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है तो इसमें भी, इस एक्टिविटी में भी लोग इन्वॉल्व होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए, ठीक है। तो माइनी रॉ मटेरियल, देखिए एनसीईआरटी, एज इज ऑब्वियस ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, ध्यान से देखिए, ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की नीड पड़ती है, अलग अलग मटेरियल हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, वाइल सम सच एज, जैसे कि कुछ चीजें जैसे क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, जैसे आप मिट्टी खिलौने बनाते हैं टेराकोटा पॉइंट, तो ये मिट्टी के लिए आपको तो कहीं फॉरेन से नहीं माना जाए, पास में ही मिट्टी आप उससे बना सकते, तो कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि क्ले वर्क लोकली अवेलेबल, क्ले तो आसपास ही आपको मिल जाएंगे, मैनी सच एज स्टोन, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैव टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, साफ साफ लिखा हुआ है, इन चीजों को बाहर से आपको मंगाना पड़ रहा है, आउटसाइड द एलुवियल प्लेन, जो मैदान है उत्तरी विशाल मैदान नॉर्थ इंडिया का, तो उससे भी आगे से या कहीं और से, जैसा कि टेराकोटा टॉय मॉडल्स, टेराकोटा ने आपने उनके खिलौने देखे बुलेट कार्ड या और कुछ, बुलेट कार्ड सजेस्ट दैट, तो टेराकोटा का जो बुलेट कार्ड है ये हमको सजेस्ट करता है कि दिस वाज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का जो हमें कार्ड मिला है, गाड़ी मिली है, हमें वो सजेस्ट करता है कि ये उस टाइम का सबसे बड़ा साधन होगा लोगों के आने जाने का, लैंड रूट, लोग इन्हीं इसी के हेल्प से लोग इन मटेरियल्स को लाते होंगे और अपने ऑब्जेक्ट जो उनका मटेरियल बना है उसे बेचने भी इसी चीज़ों से जाते हैं। तो यहाँ पर यही तो एजेंसी से कहने आया कि जब सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि मैनी सच थिंग्स, कह रहे हैं कि मैनी रॉ मटेरियल, बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है सच एज स्टोन, जैसे कि स्टोन हो गया, कई तरह के पत्थर, स्टोन, टिम्बर, गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा और मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एंड सिल्क एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम
procured from outside the alluvial plain. तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे कि सर अगर सिंधु घाटी सभ्यता में अगर मैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप बनाने की कोशिश करूँ तो इतना ही कम ये आपका यहाँ पर मोहनजोदड़ो जहां पे आपका हड़प्पा है समझिएगा चीजों यहां पे आपका हड़प्पा है मोहनजोदड़ो है यहां पर आपका चौहड़ो है इसी जगह या जादो यहां पर आपका लोथल है समझिए ठीक अगर चौहड़ों में कोई चीज बन रही है उसे उसका प्रोडक्शन हो रहा ये आपको वाले ने याद रखी गई है तो क्योंकि इनके कुछ क्राफ्ट सेंटर थे लोथल था चौहड़ो था यहां पर क्या है नागेश्वर यहां पर नागेश्वर मैं बनना आना चाहिए यहां पर आपका इस जगह बाला को जैसा इस जगह कहीं पर देखेगा सही तो आप ये बताइए अगर नागेश्वर में कोई चीज बनी तो आपको उसे रांची गणी पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना आप उसे लेकर जाएंगे कि नहीं आप उसे हड़प्पा पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे लोथा में कोई चीज बनी तो मोहनजोदड़ो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी बताइए उसे ले जाओ ना मोहनजोदड़ो कि वही अच्छी रहेगी प्रोडक्शन बस वही के लिए किया गया है ऐसा तो नहीं तो हाउ ये काम कैसे किया जा या अगर ऐसा रॉ मटेरियल जो अवेलेबल नहीं है सिविलाइजेशन पे तो वो रॉ मटेरियल आपको बाहर से भी लाना पड़ेगा चाहे आप इधर से ला रहे हैं चाहे आप ईरान इराक से ला रहे हैं लोथल नागेश्वर पर तो आपको ये लाना पड़ेगा ना बोलो तो ये काम कैसे होगा तो आओ तो इसका आपको एक इविडेंस मिलता है यहां पर हमें समझ में आता है कि ये जो चाहे नागेश्वर में जो चीज जिसका प्रोडक्शन किया गया है या रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया जा रहा है या बहुत दूरी से मंगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके पास ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ही इनके पास पैदल तो नहीं जाते पैदल जाते होंगे तो मान लो सामान कैसे आपके लिए ठीक है तो इसका एक इविडेंस मिला है और वो आप एनसीईआरटी में ले रहा है टेराकोटा टॉय मॉडल्स हमें टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं वो भी किसके बुलेट कार्ट के बैलगाड़ी के इसका ये है जो कल भी बताया था आपको ये जो खिलौना है हमें ये सजेस्ट करता है कि उस समय ये सारा काम इसी से पॉसिबल था लिखा हुआ है टेराकोटा टॉय मॉडल बुलेट कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स चाहे वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो चाहे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो अक्रॉस लैंड रूट बैलगाड़ी कहाँ चलाओगे समुद्र में लैंड रूट पे चलेगी ना तो आप देखिए ये सारी जगह आप लैंड रूट से पहुंच सकते हो हर जगह पर या सर लोग तो लैंड रूट का इनके पास जो सबसे बड़ा मीडियम था ट्रांसपोर्ट का ठीक है विच इज द इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लैंड रूट क्या आंसर होगा
बोलो बुलेट कार्ट। लैंड रूट का सबसे महत्वपूर्ण साधन हड़प्पन का क्या था? बोलिए बुलेट कार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन हाउ कैसे वेयर और व्हेन कब तीन दे ये लोग मतलब हड़प्पन प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल कैसे कहां और कब ये कैसे इस काम को करते होंगे ये रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते होंगे कैसे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते होंगे कैसे लाते होंगे तो इनके पास अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की क्या सर इनके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था तो इनके पास ट्रांसपोर्ट के रूप में हमारे पास इन्हें तो ट्रांसपोर्ट इनके पास था लैंड रूट ट्रांसपोर्ट था। साथ ही साथ आप ये देखोगे मैप में आप मैप में ये देखोगे क्या ये रिवर रूट का यूज करते थे नदी नेविगेशन का यूज करते थे नदी के लिए मतलब नदी आप रिवर का यूज करते थे क्या नेविगेशन नेविगेशन का मतलब होता कि जब आप नदी का इस्तेमाल कर रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के तो मैप वन में देखिए सभी लोग मैप वन का एनालिसिस करें आप ये देखोगे चाहे वो बालाकोट हो चाहे वो चौंद्रो हो चौंद्रो की लोकेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चौंद्रो आपका बिल्कुल ही रिवर बैंक के पास में रिवर बैंक का मतलब नदी के किनारे समझ में आ रही तो यदि आपको कालीबंगा बनवाली राखीगढ़ी या मोहनजोदड़ो कहीं पर भी अगर आपको सामान भेजना है लैंड रूट से यदि नहीं भेज रहे हो लैंड रूट से भी जाता होगा और यहाँ तक कि शायद रिवर रूट का भी यूज करते होंगे नदी इनके क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट शहर आप इनके देखोगे आपको नदी के किनारे ही मिलेंगे और ये तो हमने सब्सिटेंस स्ट्रेटेजी में आपको बता ही दिया कि पानी के किनारे क्यों बसे वो तो वही गया टॉपिक पर तो चौंद्रो की लोकेशन आप देखोगे तो चौंद्रो से आप रिवर रूट का यूज करते हुए इंडस वैली के अन्य सेटलमेंट्स में अदर सेटलमेंट्स में इजीली जा सकते हो नदी के सहारे जैसा आप रिवर रूट का यूज करके भी आप मोहनजोदड़ो जा सकते हो चौंद्रो से आप कालीबंगा जा सकते हो राखीगढ़ी जा सकते हो जैसा हो आप अलग अलग प्लेसेस में आप जा सकते हैं धौलावीरा आ सकते हैं हर जगह आप आ जा सकते हैं रिवर रूट से भी जा सकते हैं ये जो सिविलाइजेशन थी इसका मेन फीचर ही हमें देखने को मिलता है कि इसकी सारी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स रिवर बैंक नदी के किनारे ही सारी सेटलमेंट्स आपको मिलेंगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिससे कि ये इजी हो रहा है ट्रांसपोर्ट के आप दो तरह का यूज हो रहा है हम यहाँ पर दो बातें बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इनके पास सब दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वाटर ट्रांसपोर्ट भी और लैंड ट्रांसपोर्ट में जो बुलेट कार्ट थी ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट था ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका वाहन था बुलेट कार्ट और रिवर रूट में नाव नाव की एविडेंस मिली है नाव भी मिली है इसलिए कहा गया है कि ये लोग रिवर रूट भी यूज करते तो ये लोग कैसे रॉ मटेरियल लाते हैं इनकी यही सब स्ट्रेटेजी ठीक है जो चीज लोकल में मिलेगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं जो नहीं है उसे हम लाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे अभी इतना समझ में आ गया।
टॉपिक में क्या पढ़ा है, टॉपिक की सवाल चल रहा है सही, तो पिछली बार तो केवल मत दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी चीजें, डिड दे एक्चुअली, दो क्वेश्चन यहां पे लिखो, डिड दे एक्चुअली यूज रिवर राइन, रिवर राइन मतलब नदी का साधन, आप ओशियन रूट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, या प्रोक्योरिंग या फॉर लगा हुआ है, अथवा मतलब दोनों चीजें एक साथ, दोनों पॉइंट समझ जाएंगे, या प्रोक्योरिंग मटेरियल, ये हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोक्योरिंग मटेरियल, तो इसको साथ करने पर कह रहे क्या डिड दे किसके लिए है, हड़प्पन्स के लिए, क्या हड़प्पन्स वास्तव में रिवर का या ओशियन रूट्स का इस्तेमाल करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए या मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए, क्या ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे यूज लैंड रूट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, या उसको भी साथ में लेकर चलेंगे प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, क्या हड़प्पन्स ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार करने के लिए या मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए या लैंड रूट यूज करते थे, दोनों क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लिखवाने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे इसका आंसर लिखिए, आंसर व्हेन यू ट्राई टू फाइंड, जब आप इस चीज का पता लगाने की कोशिश करो कि ऐसा है या नहीं, फाइंड दीज क्वेश्चंस, we get multiple ideas based on the archaeological evidence. Archaeological evidence that we have found one of the primary evidence that we have found for trade and commerce, या पीपल का जो मूवमेंट हो रहा है लोगों को भी, तो एक या प्रोक्योरिंग मटेरियल, या मटेरियल को आपको बाहर से मंगाना है, प्रोक्योरिंग मटेरियल, इज दिस टेराकोटा कार्ड, देखिए जब आप इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे
आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल इविडेंस के आधार पर कई तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी, इविडेंसेस क्योंकि मिले हैं तो आइडियाज आई गए। दैट वी हैव फाउंड वन ऑफ द प्राइमरी इविडेंस, जिसमें हमको इविडेंस मिला है दैट वी हैव फाउंड फॉर, जो शायद जो हम लोगों ने पाया है शायद उसका यूज किया जाता था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, पीपल के मूवमेंट के लिए, या बाहर से मटेरियल मंगाना या बना हुआ प्रोडक्ट दूसरे शहर में पहुंचाना। इज दिस टेराकोटा, हमें टेराकोटा का आइडिया मिला, तो आई मॉडल मिल जाए उस आधार पे यह अनुमान है कि यहाँ पर ऐसी चीजें चल रही। देखिए अदर सच साइट्स इंपॉर्टेंट क्या है, अदर सच साइट्स जैसे सुरतो घाई, मैप वन में देखिए सुरतो घाई कहाँ है, मैप वन सुरतो घाई मिला कि नहीं है, नहीं मिलेगा आपको सुरतो घाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैप में लोकेट नहीं, क्योंकि उसकी लोकेशन अफगानिस्तान, इसलिए वो मैप कटा हुआ, इसलिए सुरतो घाई आपको नहीं, क्योंकि सुरतो घाई इज फार ऑफ अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है, ये ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपका सुरतो घाई, जो कि आप अगर देखोगे सिविलाइजेशन के लोकेशन से तो सुरतो घाई, अगर मैं बात करूं ये इसका पूरा एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और आप कह रहे हो कि सुरतो घाई अफगानिस्तान में है, और सुरतो घाई से क्या हो अगर सुरतो घाई जी एच, ये सुरतो घाई है, ये यहाँ पे आपका लोथल वगैरह है, ये आपका यहाँ पे चाउंडो, या साधु ये आपका चाउंडो, या पास मोहन गाड़ो, या हड़प्पा हो, ये यहाँ पर आपका नागेश्वर हो, समझिए ये नागेश्वर हो, ये चाउंडो हो, सुरतो घाई इज अ फॉर ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लॉजुली, लैपिस लॉजुली ए ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, एंड लोथल विच वाज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन फ्रॉम भारूच इन गुजरात स्टेटेटाइट, राजस्थान के साउथ से आता था, गुजरात से आता था, और मेटल राजस्थान से लोग लाते थे। और देखिए क्या क्या कहां से ला रहे हैं, लैपिस लॉजुली, सो एक लैपिस लॉजुली इनकी एक ज्वेलरी है, ध्यान दीजिए लैपिस लॉजुली इनकी एक ज्वेलरी है, और वो ज्वेलरी जिस पत्थर से बनती थी ब्लू स्टोन से, अपरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी लैपिस लॉजुली, लैपिस लॉजुली। और ये आप कहां से ला रहे हो, सुरतो घाई से ला रहे हैं इस पत्थर लैपिस लॉजुली, अपने आप चला गया बताइए, या राजस्थान के साउथ से ये कुछ ले आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं, देखो कहां कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, एंड लोथल विच वॉज नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन, लोथल के पास एक जगह है जैसे जो भारूच यही पड़ता है, भारूच गुजरात में, भरूच वहां से, वहां पर किसका सोर्स है कार्नेलियन, कार्नेलियन वहां पर मिलता है भारूच में, अब ये लोग वहां जाते होंगे भारूच, और भारूच से कार्नेलियन इकट्ठा करके लाद के अपनी बैलगाड़ी में तभी अलग अलग शहरों में जाता होगा ये पूरा प्रोडक्ट। स्टेटेटाइट
जो कि कल आपने देखा था एक वैसा स्टोन है जिसको आप उसको अलग अलग प्रकार के आप शेप्स बना सकते हैं इजीली। वो राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से मिलता है, ये गुजरात है, ये राजस्थान, चौंदरों में स्टेटी टाइप का काम हो रहा है या बालाकोट में स्टेटी टाइप से रिलेटेड चीजें बनाई जा रही, तो कोई यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट वर्क कर रहा है भाई, ये कैसी चीजें वहां ले जाएंगे? ठीक है, तो एक तो ये आपको पता चल गया, एक तो इस तरह से करते होंगे जो चीजें आसपास अवेलेबल होंगी उनकी आती होंगी। ठीक है, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, नोट करेंगे सभी लोग, पैराग्राफ पहला हो गया। ठीक है, पहले पैराग्राफ में सारी बातें क्लियर हो गई, बुलेट कार्ड का यूज किया जाता था, जो लोकल लेवल पर चीजें वो अवेलेबल थी, आसपास जो चीजें अवेलेबल थी बैलगाड़ी से चीजें आ जाती थी, या प्रोडक्ट बनाया तो उसको पहुंचा भी दिया। एक आप एक और चीज देखोगे जो अभी भी बताया है कि इम्पोर्टेंट आपको जो ध्यान देने की बात की है, मोस्ट सिटी जो अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि अधिकतर शहर जो थे हड़प्पा के, मोस्ट सिटीज वर लोकेटेड द बैंक ऑफ तो इससे क्या होगा, आप देखोगे मैप में तो अधिकतर शहर आपको इंडस वैली के नदी के किनारे सारे सिटीज मिलेंगे। ठीक है, तो रिवर लाइन जो रूट्स हैं, जो नदी के रास्ते है, रिवर लाइन रूट्स सिलोंग का इंडस, सिलोंग का इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज या उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जैसे आप इसकी लोकेशन देखोगे चौंगड़ों की, तो चौंगड़ों इंदस नदी की ट्रिब्यूटरी पर बसा हुआ है, उसकी सहायक नदी पर बसा हुआ, इंदस नदी के किनारे नहीं बसा, जो उसकी सहायक नदी है, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे ही इंदस की भी कई सारी छोटी नदियां हैं, तो चौंदरों एक ऐसी ही ट्रिब्यूटरी पर बसा है, मैं अपने आप देखूंगा, या तो इनके शहर इंदस के किनारे या तो इंदस की ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसे हुए। ठीक है, एज वेल एज आप ये भी देखोगे कि कुछ सिटीज जो है वो कोस्टल रीजन पर है, समुद्र के किनारे भी है, कोस्टल रूट्स कम है, पर वो कौन कौन से हैं अगर आप देखना चाहें तो वो लोथल, सुप्तीडोर, सुप्ता जेंडोर, सुप्ता जेंडोर आपको बिल्कुल इंदस वैली के बिल्कुल वेस्ट कहा जाता है, इंदस वैली के जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है वो सुप्ता जेंडोर है। अब देखिए मैप वन में, देखिए बार बार मैप देखिए, बिल्कुल किनारे आपको सुप्ता जेंडोर मिलेगा, देखिए ये इस सभ्यता का सबसे वेस्टर्न पार्ट है, जो मैंने बनवाया हुआ था कि एक आलमगीरपुर ईस्टर्न पार्ट है और इसका जेंडो इसका वेस्टर्न। ठीक है, और बालाकोट इनका आपको कोस्टल रीजन में मिलेगा, और नागेश्वर सीयूटी का क्वेश्चन यहां पर आ गया, सीयूटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट बोर्ड के साथ साथ सीयूटी, आपको क्वेश्चन में सीयूटी में कई सारे शहरों के नाम देते और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई द कोस्टल सिटीज इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन शहरों में उन शहरों की पहचान कीजिए जो कोस्टल रूट्स पर सेटलमेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता में यूटी में एग्जाम आया, क्वेश्चन आया भी है कि एस आपको कई सारे शहर देगा क्वेश्चन ए बी और सी में, उनका ग्रुप बना होगा अलग अलग शहर, एक पेयर जो होगा बिल्कुल ये वाला होगा जिसमें सारे शहर
आपके कोस्टल कोस्टल एरिया वाले होंगे। तो कहेगा इनमें से पहचानिए कौन कौन से शहर समुद्र के किनारे थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल, उत्तराखंड, बालाकोट और नागेश्वर, ये चार शहर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल समुद्र के किनारे मिलते हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। मोहनजोदड़ो नहीं है, वो तो सिंधु नदी किनारे, समुद्र किनारे थोड़ी ना। हड़प्पा है ना राखीगढ़ है, ये तो बहुत अंदर है, ये तो जमीन पे। ये सारे कोस्टल एरिया में आपको ये चार लोग तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखिए चार से तीन। एंड वाराणसो प्रोबेबली यूज पढ़ लिया है, समझ सब समझ गया है, बचा नहीं है। देखिए
हड़प्पन स्टेटस लिखा ऊपर, देखिए द हड़प्पन एनसीईआरटी, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस फेज, हड़प्पन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे अलग अलग तरीकों से। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स, इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी जैसे कि नागेश्वर में, बालाकोट एरिया जहां पे सेल अवेलेबल था, सेल कलिबरा सेल ऑब्जेक्ट। अदर सब साइट्स जैसा कि सुनतो भाई इन फॉर ऑफ अफगानिस्तान, ये वाला हो गया। इन अदर स्ट्रेटेजी सेकंड पैराग्राफ पर ये वाला भी हो गया, सब हो गया, ये तो हो गया ना, ये थोड़ा सा देख लीजिए। इन अदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन टू सेंड, हाँ ये नेक्स्ट, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड में एक और स्ट्रेटेजी थी। इन अदर स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल मे हैव बीन फाउंड बीन टू सेंड एक्सपेंडिशंस टू एरियाज सच एज द क्षेत्रीय रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड, एंड दीज एक्सपेडिशन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टेटेटाइट माइक्रोग्रिड्स इन दीज एरियाज आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टेक्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हड़प्पन साइंस स्टूडेंट्स एक्सपेंडिशन मतलब समझते हो, एक्सपेडिशन का मतलब होता है खोज करता, खोज करता, इस स्ट्रेटेजी का भी यूज करते थे। सेंड एक्सपेडिशन अपने खोज करताओं को भेजते थे, बोले जाओ जैसे कि 1498 को वास्को डी गामा नाम का एक एक्सपेडिशन पुर्तगाल से भारत आया था रॉ मटेरियल की खोज में। इंडिया ये क्यों आए थे वास्को डी गामा, कि इंडिया से हमें क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है पुर्तगाल के लिए। तो देखा जाए तो वास्को डी गामा एक ट्रेवलर के साथ साथ एक एक्सपेडिशन भी था, एक खोज करता था जिसको पुर्तगाल देश के राजा ने भेजा था इंडिया जाइए और वहां पता लगाइए कि वहां से हमें क्या क्या मटेरियल मिल सकता है। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी, इनके पास भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनको इसी काल में रखा गया होगा कि अलग अलग दिशाओं में जाओ, चलो तुम इधर जाओ, तुम रामू इधर जाओ, श्यामू इधर जाओ, तुम इधर जाओ और जाते रहो खूब दूर तक जाना, इतने किलोमीटर इतने जो भी उनकी लैंग्वेज होगी, हम तो किलोमीटर बोल रहे, वो किलोमीटर को जिस भाषा में बोलते होंगे कि आपको इतनी दूर तक जाना है और वहाँ मुझे पता करके बताओ कि वहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, और अगर वहाँ पे तुमको वो चीज़ मिल जाए तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग हैं तुमको उनके साथ संबंध स्थापित करने, दोस्ती करनी मेरी तरफ से, तुम बताना कि मैं इंडस वैली से आया हूँ और मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ, तो इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद द लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों से मटेरियल लेना पड़ेगा ना, उनको अपना परिचय देना, गिफ्ट देना, जो भी भाई सिंधु घाटी सभ्यता में चलता है कि आप आ जाइएगा लोकल कम्युनिटीज के लोगों के साथ कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश कीजिएगा जैसा आप लोग, और फिर वहाँ से वापस आ जाना, फिर हम लोग अपनी बैलगाड़ी लेकर चलेंगे और वहाँ से मटेरियल आए, ये दूसरा तरीका, ठीक है। नए खोजकर्ता भी होंगे, सेंड एक्सपेंडिशन टू एरियाज सच एज द क्षेत्रीय रीजन ऑफ राजस्थान या साउथ इंडिया, राजस्थान क्षेत्रीय रीजन जो राजस्थान है, यहां से ये क्या ले जाते थे, कॉपर, कॉपर, जब आप कॉपर को टिन के साथ, कॉपर को देखो आप कहते हो कि लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, तो ब्रॉन्ज नाम की जो मेटल है वो बनाना पड़ता, तो इनको नॉलेज था, ये कॉपर और टिन को मिक्स करके, साइंस पढ़ोगे अगर
तो कॉपर और टिन का जो एलॉय होता है वो होता है ब्रोमिन। तो ये एक मेटल बनाते थे खुद इस मेटल का प्रोडक्शन करते थे ब्रॉन्ज का, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इन्हें ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या चाहिए? कॉपर चाहिए। कॉपर अगर पास में नहीं अवेलेबल है तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये कॉपर ढूंढते ढूंढते पहुंचे राजस्थान। तो सेंड एक्सपेडिशन टू एरिया सच एज खेत्री रीजन, ध्यान दें सीयूटी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस एरिया से कॉपर को ट्रांसपोर्ट करते थे वो खेत्री रीजन पड़ता है राजस्थान में प्रेजेंट टाइम पर। वहां से ये लोग कॉपर को इंपोर्ट करते थे, समझ में आ गया? कॉपर को इंपोर्ट करने का काम किया जाता था। तो इनके पास एक्सपेंडिशन होते थे। एक्सपेंडिशन कौन है अवंतिका बताओ? खोज करता, जो किस खोज में निकले? मटेरियल्स की खोज में निकले कि हमें जो भी प्रोडक्शन करना है, हमें प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास होना चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ना इसका रॉ मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेंडिशंस टू एरियाज, ऐसे एरिया में जैसे कि सच एज खेत्री रीजन है पड़ता राजस्थान। किस लिए? किस मटेरियल के लिए? कॉपर। और साउथ इंडिया क्यों भेजा? बोलो, गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड। तो आप यहां पर एक एनालिसिस करें, आप कह रहे हो कि इनको भेजिए और ये जो एक्सपेंडिशन है, ये जो खोज करता है, दीज एक्सपेंडिशंस established communication with local communities। देखो, तो आप यहां पर एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप इनका मैप वन देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का सेटलमेंट का मैप देखिए, उसमें कोई भी सेटलमेंट आपको साउथ इंडिया में नहीं दिख रहा। उस मैप दिख रहा नहीं। अगली लाइन क्या कह रही है? अगर हम ये मान लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता इस एरिया में थी, जो एरिया मैप बन गई, क्या उसी टाइम इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी लोग रहते थे? और यदि वो रहते थे तो वो किसका हिस्सा था? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आपको गोल्ड लग रहा है साउथ इंडिया से। अगली लाइन ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिशन होंगे, जो इंडस वाले हैं, जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता के जो खोज करता है, इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप वहां जाएंगे और वहां के लोकल कम्युनिटीज के लोग हैं
इसका ये मतलब है कि उसी टाइम पर इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग रह रहे थे, लेकिन शायद वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं थे, उनकी पहचान कुछ और थी। और ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। आप गोल्ड लेने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी सिविलाइजेशन होती तो आप क्यों कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते, आपके लोग होते तो। इसका मतलब ये अलग समुदाय के लोग हैं, ये अपने आप को अलग मान रहे हैं, इसीलिए तो इस एक्सपेंडिशन को इंट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप वहाँ जाकर इस्टेब्लिश करेंगे, बातचीत उनके साथ करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो गोल्ड हमको दे दें, और जब वो तुम्हारी बातचीत फाइनल हो जाए तो हमें बताना, हम लोग बैलगाड़ी लेकर पहुँचेंगे और वहाँ से सोना लाद कर लाया जाएगा और यहाँ पर अपने गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स प्रोडक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? ओकेजनल फाइंड्स ऑफ कुछ हमें ऐसी चीजें भी मिली है, हड़प्पन आर्ट फैक्ट्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसे कई एविडेंस मिले हैं, जैसे कि स्टेटिटाइट क्या है। स्टेटिटाइट से आप बहुत ही छोटी छोटी माइक्रो बीट्स बनाते हैं, बीट्स का बताया था मोतियां बहुत छोटी छोटी बनाते हैं। इन दीज एरियाज इंडिकेटर्स ऑफ सच कॉन्टेक्ट, तो ये एक इंडिकेटर है कि उनके संबंध ऐसी जगहों से थे। स्टेटिटाइट कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम साउथ राजस्थान और गुजरात से लाया जा रहा है, और मेटल भी लाया जा रहा है गुजरात से, उसे खेतरी रीजन कहते थे, ठीक है। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। हाईलाइट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर आपको दूसरे तरह के कल्चर के बारे में पता चल रहा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन लोगों के समुदाय को एक नया नाम दिया है और उसको कहा जा रहा है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। मतलब ये सिविलाइजेशन तो नहीं है लेकिन कल्चर है, एक अलग सेटलमेंट है जो इंडस से अलग है। मतलब सिंधु घाटी के लोग अलग हैं और क्षेत्रीय रीजन जो आपका राजस्थान में पड़ रहा है वो वहां पर एक छोटी सा, मतलब कुछ एरिया में ऐसा सेटलमेंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग है। अलग ना होता तो भी उसको उसी को सिविलाइज उसको उसमें मिला देते, इनका कल्चर अलग था। तो इस कल्चर को क्या नाम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? इन्होंने नाम दिया है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। कह रहे कि गणेश्वर जोधपुरा समाज के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से अलग थे। तो देखो देयर इज एविडेंस, तो हमको ऐसे कई एविडेंस मिले हैं। देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया, इन द खेतरी एरिया फॉर वॉट आर्कियोलॉजिस्ट, इस लाइन को हाईलाइट करेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द, क्या नाम दिया इसको, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। आगे क्या कह रहे हैं, विथ इट्स डिस्टिंक्टिव नॉर्ड अपन पोट्री एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, इनके जो बर्तन वगैरह है वो अलग है। नॉर्ड अपन लोग है भाई, ये हड़प्पा लोग नहीं है, लिखा हुआ है नॉन हड़प्पन, आप इन्हें हड़प्पा की सभ्यता का हिस्सा मत मानिए। इनको एक नई पहचान दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने इस एरिया के लोगों को, उन्होंने कहा है कि भाई ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के लोग, ये हड़प्पन नहीं है। और हड़प्पन का जो संबंध था इनके साथ था, क्योंकि हड़प्पन इनसे एक मटेरियल लेते थे वो था स्टेटिटाइट,
स्टेटेड टाइप ये लोग देते थे किसको, ये लोग किसको स्टेटेड टाइप देते थे, हड़प्पंस को स्टेटेड टाइप देते थे, स्टेटेड और हड़प्पंस उस स्टेटेड टाइप के यूज करते थे माइक्रो बीट्स बनाने के लिए, समझ में आ गया, छोटी छोटी मोतियां होती है। इट इज पॉसिबल दैट इसकी भी संभावना है इन द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के जो निवासी थे, किस क्षेत्र के, क्षेत्रीय एरिया के रंगोत्सव जोधपुरा कल्चर के लोग, फिर से कह रहा हूं ये इसकी ये संभावना है कि क्षेत्रीय एरिया के लोग जो क्षेत्रीय एरिया के निवासी हैं जिन्हें आप कह रहे हो गणेशव जोधपुरा कल्चर के लोग, ये लोग सप्लाई करते थे क्या, किसको, हड़प्पंस को कॉपर सप्लाई करते थे, फिर ये लोग क्या करते थे कॉपर में टिन मिलाकर उसे ब्रॉन्ज बना लेते थे, यही लोग स्टेटेड टाइप भी सप्लाई करते थे किसको, हड़प्पंस को। तो देश के अंदर भी हमें ये एविडेंस मिल रहा है कि आपको अलग अलग कम्युनिटीज या कल्चरल अलग कल्चर के लोग हैं जो नॉन हड़प्पंस हैं, हड़प्पंस लोग हैं या सारू, तो ऐसी ही एक कम्युनिटी आपको पता चली क्षेत्रीय रीजन में गणेशव जोधपुरा कल्चर के लोग जो सप्लाई करते थे कॉपर टू द हड़प्पंस। आज की क्लास क्या तक बातें समझ में आ गई, रिवीजन कर लीजिएगा। Thank you.